देश में अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है। पूरा देश दिवाली और काली पूजा के स्वागत में है। पश्चिम बंगाल में विजय सम्मेलनी की धूम मची हुई है। दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद बंगाल में रंगारंग विजय सम्मेलनी कार्यक्रम आयोजित करने की परंपरा रही है। टीएमसी की तरफ से राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में विजय सम्मेलनी प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में बालीगंज विधानसभा क्षेत्र की तरफ से विजय सम्मेलनी प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें बालीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सभी वार्ड के काउंसिलर कैसर जमील, मंजर इकबाल, शम्मी जहान, निवेदिता शर्मा, दिलीप बोस, देवाशीष कुमार और उन सभी वार्ड के आम लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुराद एस महमूद, सारिक अहमद, मोहम्मद मिराज, अर्जुन, फहीम अनवर, मोहम्मद सोहराब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दक्षिण कोलकाता जिला टीएमसी अध्यक्ष देवाशीष कुमार, राज्यसभा सांसद नदीमुल हक और दक्षिण कोलकाता की सांसद माला राय ने भी विजय सम्मेलनी में भाग लिया। उन सब ने लोगों को भाईचारे व शांति का संदेश दिया और बीजेपी पर नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और बालीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राज्य के टूरिज्म मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। उन्होंने लोगों की फरमाइश पर एक गाना गाकर भी सुनाया। बाबुल सुप्रियो ने पार्क सर्कस के लोगों को एक खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि वो पार्क सर्कस मैदान में एक और बूस्टर स्टेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। काम के जबरदस्त दबाव के चलते बेहद थके नजर आ रहे बाबुल सुप्रियो ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन पर विश्वास कर उन्हें टूरिज्म मंत्री बनाया है। इस काम में उन्हें बेहद मजा आ रहा है। वो जल्द ही मुख्यमंत्री से एक हफ्ते की छुट्टी की दरखास्त करेंगे। बहुत बढ़िया बात है ये। मैं जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे नए तरीके से संप्रीति की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अपने आप में संप्रीति का एक सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। सब आए हुए हैं और एकदम देखिए कहीं पे कोई हम इतना सुंदर बंदोबस्त रखा गया है। अलग अलग वार्ड के लोग, अलग अलग काउंटर्स बनाए हुए हैं। तो ये सब एक्सपीरियंस से हमने जो है बहुत मेहनत की है। सारे काउंसिलर्स लोग जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है, यंगस्टर्स जो है, अलग अलग मोर्चा के सब लोग, सब ने बहुत मेहनत की है। उसीलिए आप ये रौनक देख रहे हैं और ये हम लोग 9 बजे 9:15 बजे तक रहेंगे। थोड़ा गपशप भी होगा, गाना बजाना भी होगा। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो संप्रीति की बात हमेशा ममता बनर्जी जी करते हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी अभिषेक भाई जो बोलते हैं, उसी चीज़ को बरकरार रखने के लिए सारा पश्चिम बंगाल में ये विजय सम्मेलनी किया जा रहा है। हम भी बहुत सारे जगह में गए हैं। सब सीनियर्स नेता जो है सबको अलग अलग जगह में भेजा जा रहा है। हम जा रहे हैं और उनके साथ मिलने का जो एक सिलसिला जो है उसको जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं भी 4-5 जगह गया था, लेकिन अपने खुद के जगह में आने में लेट हो गया, क्योंकि बज गया हुआ था मैं। सिंगल रोड है, बहुत भयंकर दिवाली की जैम थी, लेकिन ठीक ठाक समय में पहुंचा और सारे हमारे वरिष्ठ नेता जो है सब आए, तो बहुत ही बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये तो अभी शाम की शुरुआत है, आगे देखिए बहुत कुछ होगा। दादा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और अभी से ही आप थके हुए लग रहे हैं। नहीं, मैं थका हुआ हूँ और कैमरे के सामने अगर ये दिख रहा है ना, तो मैं झूठ नहीं कहूँगा। महालय के टाइम से, खूंटी पूजा के टाइम से लेके, दुर्गा पूजा के टाइम से लेके, उसके बाद से लेके, मुझे ज़रा सा भी मुझे क्या बोलो, जो अकेले में आप 3-4 घंटा चुपचाप बैठे रहे, वो वक्त मुझे मिला नहीं, क्योंकि ऑफिस भी इसके बीच में ये हुआ है। मेरी बीवी जो है वो कंप्लेन कर रही है कि थोड़ा छुट्टी ले लो कुछ 4-5 दिन, लेकिन इतना बड़ा दायित्व दीदी ने दिया है, तो ये सेलिब्रेशन का टाइम है। टूरिज़्म मिनिस्ट्री का भी बहुत काम है, सिलिकन वैली का भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मैं खुश हूँ। थका हुआ बहुत लग रहा हूँ, लेकिन मानसिक तौर पे थका हुआ नहीं हूँ। ये सब चीज़ हो जाए उसके बाद एक छोटा सा दीदी का परमिशन लेके एक 7 दिन का छोटा सा टाइम जो है बिता दूंगा। लेकिन एक स्पेशल बात है कि ये पूरे समय में कोटी पूजा से लेके दुर्गा पूजा के टाइम पे इवन नाउ जैम में अटक गई है, सब जगह में मेरी बीवी और बच्चे को मैं खुद गाड़ी चला के हर जगह लेके गया, जितना भी जैम हो। तो एक तरफ से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम और दूसरी तरफ से एक पति और डैडी का जो मज़ा है, वो दोनों चीज़ को मैंने बहुत ही तहे दिल से उसको मैंने क्या बोलो अदा किया और बहुत एंजॉय किया। एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही चैलेंजिंग मिनिस्ट्री है। देखिए, टूरिज्म बंगाल का अवार्ड तो हमें इंटरनेशनल मिला ही है। टूरिज्म में स्काई इज़ रियली द लिमिट। उसलिए हमने जो हमारा मिनिस्ट्री है उसका टैग लाइन बनाया कि सी टू स्काई।
तो बहुत अच्छे अच्छे सामने आप देखेंगे। जैसे 30 साल के बाद डबल डेकर बस लोगों को बहुत पसंद आया। कोई भी हमारा टूरिस्ट लॉज खाली नहीं है और सब जगह में अपग्रेडेशन चल रहा है। बहुत जल्दी एक साल का वक्त आप देखिए, आपको दोनों मिनिस्ट्री में बहुत अच्छा काम दिखेगा और हर तरीके से हमें जो है हेल्प मिल रहा है। सब सीनियर नेता जो हैं सब हमें हेल्प कर रहे हैं। बस यही कहूँगा कि यही माहौल बजाय रखिए। देखिए आप सारे लोग आए हुए हैं, हंसी मजाक चल रहा है। मैं खुद भी मंच पे सब काउंसिलर्स का नाम जानबूझ के इधर उधर कर दिया, शफल कर दिया। यही तो माहौल है, देखिए ना कौन सा वार्ड का कौन है पता ही नहीं चल रहा है ना। कोई कहीं पे कोई 10 लोगों का जमावड़ा बना हुआ है, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए कितना रिलैक्स एटमोसफियर है, ये चीज़ को आप देखिए। ये बहुत जीते हुए जीते हुए जीते हुए आपको 6 महीने हो गया दादा, क्या क्या काम आपने देखा है कि कमी है, कमी महसूस है? जीते हुए आपको 6 महीने हो गया दादा, क्या क्या काम आपने देखा है कि कमी है, कमी महसूस है? पहली बात तो सारे वार्ड से सब काउंसिलर्स के साथ मिल के देखिए मैं क्या काम किया वो बात मैं खुद नहीं करूँगा, वो आप बाकी काउंसिलर्स जो हमारे हैं वो आपको बताएंगे। और दो चीज़ पे मेरा बहुत अहम नज़र है, पाक सर्कस में एक दूसरा बूस्टिंग पंप स्टेशन जो है उस पर मैं काफ़ी दिल से लगा हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो थोड़ा सा उसके लिए वक्त लगेगा, बहुत जल्द से जल्द तो ओवरनाइट तो होता नहीं है, लेकिन ज़रूर जिसको बोलते हैं ज़रूर काम होगा। और बाकी मेरे काम के बारे में मैं कभी कुछ नहीं कहता हूँ, पब्लिक कहेगी और हमारे काउंसिलर साहब लोग वो कहेंगे। मेरा MLA लैड का जो फंड है 70 लाख का वो हमने अलॉट कर दिया है। हर जगह में हर काउंसिलर ने मुझे लिख के दिया कहाँ पे क्या तकलीफें हैं, उसको उस हिसाब से सब वार्ड में हमने इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसको फॉलोअप भी हम रेगुलरली बेसिस पर कर रहे हैं। कितना कर रहा हूँ वो काउंसिलर्स बताएंगे। बहुत बहुत असेंबली कलकत्ता में है नहीं तो इसीलिए जो हम लोग का सहकर्मी यहाँ आया है सब लोग का हम बधाई देता हूँ। यहाँ का विधायक माननीय मंत्री बाबुल सुप्रियो आज ऑर्गेनाइजर है, उसका भी हमारा बधाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई जगह विजिट कर रहे हैं, क्या यहाँ पे आएंगे क्या? विजया सम्मेलन में ममता बनर्जी नॉर्थ बंगाल गया था, हर साल जाती है और उसका अपना जो विधानसभा था भवानीपुर में था, तो इसीलिए ममता बनर्जी आए कि नहीं उस बड़ा बात नहीं है, उसका ब्लेसिंग पूरा है। क्या देखिए कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वो CBI ED ये लोग लड़ाई में जब हार गई है तब ये लोग को यूटिलाइज कर रहे हैं बंगाल के क्षमता दखल करने के लिए। विजय सम्मेलन ही सबाई के लिए उत्सव, सब धर्म मानुष के लिए उत्सव, सबाई के लिए उत्सव करते हैं। जार जार धर्म तार कछे निश्चय तार विभिन्न समय पालन करें, किन्तु ये विजय सम्मेलन उपलक्षे सब धर्म मानुष ही एखे उपस्थित आछे। एटा आमादेर रीति, दुर्गा पूजार पर सबाई एकसंगे मिलित।